जिक्र एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का होगा। यह एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय है और देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर देने वाली अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी अब फर्जीवाड़ी की फांस में फंसी हुई नजर आ रही है। प्रदेश भर में 800 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और यह विश्वविद्यालय हमेशा से देश में अग्रणी रहा है। इसकी डिग्री की वाकई एक साख है, लेकिन कमाई की दौड़ ने कॉलेजेस को अंधा बना दिया है और इसे इंजीनियरिंग के नाम पर छात्रों को ठगा जा रहा है। पढ़ाने वाले टीचर खुद फर्जी हैं, नॉन क्वालिफाइड हैं और ये खुलासा खुद यूनिवर्सिटी के इन्वेस्टिगेशन में हुआ है। इस जांच में तकरीबन 20,000 शिक्षक फर्जी निकले हैं। निजी कॉलेजेस में कुल शिक्षकों की तादाद 41 के आसपास है और इनमें से आधे फर्जी हैं। अब सोचिए जरा कि ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा होगा। फर्जी शिक्षकों की फेहरिस्त नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सबसे लंबी नजर आ रही है और 5,000 और ऐसे शिक्षक हैं जो इस फर्जीवाड़े में शामिल हो सकते हैं। तो तमाम चीजें वाकई एक गंभीर संकेत देती हैं और गंभीर स्थिति की तरफ इशारा भी करती हैं कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा वाकई बेहद परेशान और हैरान करने वाला है। ये संबद्धता की कार्रवाई हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर चल रही है। इसके लिए जितने कॉलेजेस हैं संबद्धता चाहते हैं उनको अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन देनी होती है। उसी ये हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वर्ष मांगी है और उसमें ऐसा मॉड्यूल या सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें कॉलेज की शिक्षकों की संख्या और नाम और उनके पैन नंबर भी उनसे देने की अपेक्षा की गई थी। तो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई है उसके हिसाब से लगभग 41,000 शिक्षक जो उन्होंने रिपोर्ट किए हैं कॉलेज वालों ने, उनके पैन नंबर को देखा गया और ये देखा कि उसमें पैन नंबर उस तरह से नहीं लिखे जैसे पैन नंबर वास्तव में होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी ने कुछ। तो हमें शक हुआ कि ये पैन नंबर सही है या गलत है, इसकी जांच करा ली जाए। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से हमने इनकम टैक्स से इन पैन नंबरों का मिलान कराया तो ये बताया उन्होंने कि ये पैन नंबर उनके सही नंबर नहीं है, ये गलत नंबर हैं जो उन्होंने दिए हैं। तो इस तरह के लगभग 20,000 मामले जो हमारे संज्ञान में आए हैं। इसके अलावा कुछ पैन नंबर में नाम वगैरह की भी गलतियां पाई गई हैं, जो प्रॉपर नाम लिखा है शिक्षक का उस तरह का पैन नंबर भी नहीं है। तो इस तरह के भी मामले हैं जिनको हमने संदिग्ध की कैटेगरी में रखा है। दूसरा, हमने शिक्षकों की योग्यता के बारे में भी उसमें इंफॉर्मेशन मांगी थी कि जो टीचर्स उनके यहाँ पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, AICTE के नॉर्म्स के हिसाब से है या नहीं। तो उसमें भी बहुत सारी कमियाँ पाई गई हैं। देखिए, गंभीर विषय है और चिंताजनक भी विषय है। राज्य में सरकार की लापरवाही से वैसे भी शिक्षा व्यवस्था बदहाली के दौर से है और अब तकनीकी शिक्षा में जिस तरह के मामले आए हैं वो चिंता पैदा करते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ जाएगी, हम उसको क्या दे पा रहे हैं। पूरे मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों और किन परिस्थितियों में ये सब हुआ। नहीं, बड़ा ही गंभीर मामला है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह के घोटाले और घपले सामने आ रहे हैं और ख़ासतौर से उन लोगों को लेकर जिन्हें शिक्षा देना होता है और जिनके बल पर एक छात्र अपने भविष्य के सपने देखता है, भविष्य को सुधारने की कोशिश करता है, जब उसकी बुनियाद ही कमज़ोर हो और गलत तरीके से उसको शिक्षा दी जाए तो हमें लगता है इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में हुए इस बड़े खुलासे के बाद अब भले ही AKTU संबंधित कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहा हो, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर यह जांच उस वक्त क्यों नहीं की गई जब AKTU ने इन कॉलेजों को मान्यता दी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या वाकई AKTU जांच के बाद इन कॉलेजों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेगा या अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी ले देकर पूरे मामले को रफा कर देगा। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ राजीव प्रताप सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ।
तो लापरवाही तमाम स्तरों पर देखने को मिली है। पहली बात तो यह कि यूनिवर्सिटी की अपनी इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें यह साफ हुआ है कि जो डेटा भेजे गए वो डेटा फर्जी है। और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर 41,000 टोटल टीचर्स हैं, कुल टीचर्स की तादाद अगर 41,000 है और उसमें से 20,000 टीचर फर्जी पाए जाते हैं तो ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा होगा। यानी कि या तो वहां टीचर है ही नहीं या फिर जो टीचर हैं वो नॉन क्वालिफाइड हैं और उनकी क्वालिफिकेशन इस लायक नहीं है कि उसे यूनिवर्सिटी तक भेजा जा सके। तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे इस चर्चा में, कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है, रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर, डॉक्टर चंद्रमोहन है बीजेपी के प्रवक्ता, कमलाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और इसके अलावा डॉक्टर विवेक गौतम है हमारे साथ एजुकेशनिस्ट हैं। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत। और वाकई ये बेहद गंभीर विषय है। डॉक्टर विवेक गौतम, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी, बतौर एजुकेशनिस्ट जब आप तक इस तरह की खबरें पहुंचती हैं या ये खबर जब आप तक पहुंची है तब किस तरह का रिएक्शन आपका है, क्योंकि एजुकेशन के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, वाकई ये गंभीर विषय है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, शिक्षा की जहां तक बात है तो उसमें तीन पक्ष होते हैं जी। एक तो छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं जी। दूसरा टीचर्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं छात्रों को, उनका जीवन बनाते हैं। तीसरा पक्ष समाज का है। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चे हमारे समाज के हैं, उनके पेरेंट्स उनकी एक दुनिया है। उसको अगर सही दिशा नहीं मिलेगी, उचित स्तर नहीं मिलेगा एजुकेशन का, तो निश्चित रूप से उनके भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर विवेक किसकी मानते हैं आप, इतनी बड़ी तादाद में अगर फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं तो पहला सवाल तो यही है कि या तो वहां पर टीचर है ही नहीं या फिर जो है भी वो नॉन क्वालिफाइड है, तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन और नेक्सस दरअसल ये कहां से शुरू होता है और कहां तक पहुंचता है? बिल्कुल, जो बात मैंने कही, समाज में राजनेता भी आ जाते हैं, व्यवसायी भी आ जाते हैं और एजुकेशनिस्ट भी आ जाते हैं, जिन्हें मैं कह सकता हूं कि वो सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट हैं, सच्चे शिक्षक, सच्चे शिक्षा व्यवसायी जिन्हें कह सकते हैं। वहां कहीं ना कहीं कुछ कमी है क्योंकि अगर हम अपनी मूल्यगत व्यवस्था को देखें तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी गुरु का सम्मान सबसे ज्यादा है। तो शिक्षकों को जहां मौका मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि वो शिक्षक फर्जी पाए गए, अर्थात वे शिक्षक हैं ही नहीं मूलतः, तो कहीं ना कहीं जिन्होंने उन्हें डिप्यूट किया है, जिन्होंने अपने यहाँ रखा है, वो लोग उसके लिए बड़ी भांति जिम्मेदार हैं। हाँ। और इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं दूरदृष्टि से देखा जाए तो पूरा का पूरा जो नेक्सस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो नेक्सस कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जिसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं और संस्थानों को चलाने वाले भी। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अपने दर्शकों को हम जरूर बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसकी डिग्री की एक साख है। इस डिग्री के आधार पर कंपनियां इन बच्चों को, जो मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं बच्चे, जो इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, कंपनियां इस साख के आधार पर इन बच्चों को हायर करती हैं। लेकिन उस साख का सीधे सीधे अब पूरी तरह से कबाड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी भी हैं। रविदास जी, सरकार खामोश है अभी तक। यूनिवर्सिटी ने भले ही अपने लेवल पर एक प्रोब कराई है, एक इन्वेस्टिगेशन कराई है जिसमें प्राइमा फेसा ये चीजें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन सरकार की इनएक्टिवनेस इतनी क्यों है कि सरकार अभी तक खामोश है? कोई बयान नहीं, किसी तरह की जांच की कोई चर्चा नहीं और किसी तरह का इनिशिएटिव नहीं। देखिए गरिमा सिंह जी जी, ये बहुत गंभीर मामला है और अभी आपने कहा एशिया की जानकारी मुझको है कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और जहां पर 20,000 शिक्षक फर्जी है, तो इस रूप से इस प्रकरण की पूरी जांच हो जाइए और जो लोग भी इसमें लिप्त हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यकीनन खिलवाड़ है रविदास जी, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा इतर था, माफी चाहूंगी मैं आपको रोक रही हूँ, मेरा सवाल थोड़ा सा इतर था और सवाल ये है कि अभी तक इतना समय इस घटना को सामने आए बीत चुका है, तमाम अखबारों में आज खबर छपी है, तो आखिर सरकार खामोश क्यों है? सरकार इनिशिएटिव लेने के मूड में क्यों नहीं है और सरकार की इनएक्टिवनेस क्यों नजर आ रही है? देखिए मुझको जानकारी ये है कि इसमें जांच के कुछ आदेश दिए गए हैं और इसमें पूरी जांच होगी और जो लोग भी, चाहे इसमें कोई नेता हो, चाहे इसमें कोई अधिकारी हो, चाहे यूनिवर्सिटी के लोग हो, जो लोग भी हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो सब लोग, मैं ये मांग भी करता हूँ, वो सब लोग गिरफ्तार हो, जेल जाए। रविदास जी, इतना समय बीतने के बाद कोई बयान को अभी तक आया नहीं है, कैसे हम भरोसा कर लें? रविदास जी, हम कैसे भरोसा कर लें? कार्रवाई होगी, तमाम लोग गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, कैसे भरोसा हो, क्योंकि अभी तक तो एक अदद बयान तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। खैर, लौटेंगे हम आपके पास, डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, हम ये कैसा भविष्य तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का? रविदास जी आएंगे आपके पास। डॉक्टर चंद्रमोहन, ये कैसा भविष्य हम तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का? अभी हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हुई, जमकर नकल हुई, खुले तौर पर हुई, मीडिया के पहुंचने के बावजूद नकल नहीं रुकी। अभी हम ये देख रहे हैं कि मैनेजर्स जो तैयार कर रहे हैं, इंजीनियर्स जो हम तैयार कर रहे हैं, वो फर्जी शिक्षकों के सहारे तैयार कर रहे हैं। कैसा भविष्य दे रहे हैं हम उत्तर प्रदेश को? गरिमा जी, बिल्कुल चिंताजनक विषय है और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसको हमने APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर, पूर्व राष्ट्रपति जी के नाम पर परिवर्तित किया, उनके नाम पर चलने वाला विश्वविद्यालय है और इसमें से जो पास आउट होने वाले छात्र हैं उनकी एक बड़ी संख्या है और पूरे मुझे लगता है पूरे विश्व भर में वो फैले हुए हैं, उसके शिक्षकों पर और उसकी व्यवस्था पर सवाल उठना ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है। और वो भी इतनी बड़ी तादाद में। जी 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 जी, इसमें मेरा मानना यह है, भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है, जैसे AICT के जो नॉर्म्स हैं, AICT ने एक नॉर्म्स बनाया है कि 15 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। ठीक है। अब इसको पूरा कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और जैसे PhD जो शिक्षकों की योग्यता है उसका भी एक AICT के हिसाब से नॉर्म्स है। अब जैसे मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो राजकीय शिक्षा, राजकीय जो टेक्निकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन अंबेडकर नगर, बांदा, बिजनौर, आजमगढ़, मैनपुरी और सोनभद्र, ये भी अतिथि प्रवक्ताओं के द्वारा संचालित हो रहे हैं। इनमें भी हम जो है, इसमें चार कॉलेज अंबेडकर नगर, बांदा, बिजनौर, आजमगढ़, ये बसपा सरकार के थे, मैनपुरी और सोनभद्र ये अभी समाजवादी पार्टी सरकार ने शुरू किए हैं, लेकिन ये सारे के सारे कॉलेज अतिथि प्रवक्ताओं के द्वारा संचालित हो रहे हैं। तो ये अतिथि प्रवक्ताओं के द्वारा क्यों संचालित हो रहे हैं? डॉक्टर चंद्रमोहन, जिम्मेदारी किसकी? ठीक है, यूनिवर्सिटी की अपनी, इसकी जो जिम्मेदारी है वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है और ये बहुत गंभीर मसला है। मैं जब ये विषय आया, शुरू हुआ, चर्चा हुई, तो मैंने शिक्षकों से भी बात की, छात्रों से भी बात की, अभिभावकों से बात की, मैं खुद छात्र राजनीति का हिस्सा रहा हूं बरसों, तो इस नाते से मेरे को समझ में आया कि भाई ये जो सारा कुछ है, क्योंकि इसमें एकदम जैसे फर्जी कांड, फर्जी वाला, इसको गहराई से जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैसे एक पैन कार्ड की बात आई है गरिमा जी, तो पैन कार्ड में क्या होता है, गरिमा बस भी हो सकता है, गरिमा सिंह भी हो सकता है, चंद्रमोहन सिंह भी हो सकता है, चंद्रमोहन शर्मा भी हो सकता है, चंद्रमोहन भी हो सकता है, ठीक है, फादर्स नेम और वो एक हो सकते हैं जी। तो पैन कार्ड के आधार पर केवल किसी को भी हम वो नहीं कर सकते। अभी क्या है, इन्होंने कॉलेजों से उसको मांगा है कि आप इसके संदर्भ में दो। अभी तुरंत हम इस निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते, लेकिन इतना जरूर है कि ये समाचार प्लस ने जैसे जो अध्ययन किया है, जो लाया है, बाकी मीडिया ने किया है, कि अब ये आवश्यकता जरूर बन पड़ी है कि प्राइमा फेसाई, लेकिन यूनिवर्सिटी ने माना तो है ना, प्राइमा फेसाई बाकायदा वाइस चांसलर का बयान आता है। वाइस चांसलर श्री विनय पाठक जी, डॉक्टर विनय पाठक जी आज कर्नाटक में हैं, वो वहाँ गए हुए हैं, ठीक है, आज रजिस्ट्रार ने लोगों से बात की है। ये जरूर है कि ये जब चर्चा हो रही है तो इस चर्चा के बहाने से ये चिंतन मंथन होना ही चाहिए कि उत्तर प्रदेश में प्रावधिक शिक्षा किस मुहाने पर खड़ी हुई है और हम किस तरह से उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपनी उस यूनिवर्सिटी को, जिसकी पूरे एशिया में साख है, विश्व में साख है, भारत में साख है, हम किस तरह से उसे फर्जीवाड़े के हवाले कर सकते हैं? डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी भी मेरे साथ हैं। कमलाकर जी, आपको भी हम चर्चा में जोड़ लें। एक तरफ तो हम स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं और ये वाकई गंभीर विषय है, इस पर सोचने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है। अफसोस इस बात का जरूर है कि समाजवादी पार्टी सरकार अभी तक खामोश है, लेकिन एक तरफ हम स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी इतनी रैपिटेड यूनिवर्सिटी में इस तरह की धांधलीबाजी या इस तरह का फर्जीवाड़ा पाते हैं, तो कैसा भारत, कैसे स्किल्ड इंडिया की हम तस्वीर देख पा रहे हैं इसके बरक्स? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला माहौल है, न
आप टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रही हैं, आप नीचे से लगाइए, बेसिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से और ऊपर तक चले आइए। जितने सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत एकदम जर्जर हो चुकी है पिछले 20-25 सालों में। वहाँ पढ़ाने को शिक्षक ही नहीं है, फर्जी और नॉन फर्जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा इलाहाबाद, कौशाम्बी और इधर के तरफ के हजारों कॉलेजेस, सैकड़ों नहीं मैं कह रहा हूँ, हजारों कॉलेजेस ऐसे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को परीक्षा दिलवाने के लिए उनके यहाँ से फॉर्म भरे जाते हैं, साल भर पढ़ाई नहीं होती। टेक्निकल एजुकेशन के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा गरिमा जी, कहिए कमला जी। टेक्निकल एजुकेशन में टीचर्स के अपॉइंटमेंट में एक मैंडेटरी क्लॉज होता है कि जो यूनिवर्सिटी का भी एक रिप्रेजेंटेटिव टीचर्स के सिलेक्शन के दौरान मौजूद होता है और यूनिवर्सिटी के द्वारा ही तय किया गया एक एक्सपर्ट भी मौजूद होता है जी, हाँ। तो अब देखना ये पड़ेगा कि ये किस तरह के एक्सपर्ट्स थे और ये किस तरह के टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे और नॉमिनीज थे यूनिवर्सिटी के जिन्होंने इस तरह के फर्जी शिक्षकों को चुना, एक चीज। और 16 साल हो गए कमलाकर जी, यूनिवर्सिटी बने हुए 16 साल हो गए हैं, पहली दफा पोर्टल पर इंफॉर्मेशन मंगाई गई, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मंगाई गई और उसी के बाद ये इतनी बड़ी धांधलेबाजी सामने आई, तो 16 साल जो बीते हैं उनकी गारंटी कौन लेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, आंसरेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, आंसरेबिलिटी लोगों की फिक्स करनी पड़ेगी, किन लोगों ने उनको अपॉइंट किया। और सबसे बड़ी बात क्या है गरिमा जी कि पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश भर में, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आम आदमी बेचारा अपना पेट काट करके बच्चे को पढ़ाता है या किसी रिश्तेदार सगे संबंधी माँ बाप का इलाज कराता है, ठीक है। और इसी में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा सामने आता है और होता यह है कि लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए और उनकी मजबूरी को फायदा उठाते हुए ये लोग करते हैं। ये हैं आज की डेट में गाजियाबाद, नोएडा और इन सारी जगहों पर नॉमिनल अमाउंट में इंस्टीट्यूशनल लैंड के नाम पर इन्होंने बड़ी बड़ी लैंड्स अलॉट करा रखी हैं और ये दिखावे के तौर पर कुछ दिन तक कॉलेज चलाएंगे और उसके बाद ये दिखा देंगे कि वो कॉलेज घाटे में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारी संलिप्तता भी है, सरकारी इन्वॉल्वमेंट भी है और इसीलिए रविदास जी भी हमारे साथ हैं। रविदास जी, पूरी तरह से बिना सरकारी इन्वॉल्वमेंट के, बिना सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन के, बिना सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा के, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। रविदास जी हमारे साथ हैं, रविदास जी बेहतर जवाब की उम्मीद करती हूँ आपसे। कमलाकर जी अभी कह रहे हैं कि वाकई खून पसीने की कमाई एक माँ बाप लगाते हैं अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाने के लिए और वाकई ये सपना होता है उनका कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। तो आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को भी आप बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार की खामोशी उन माँ बाप को क्या वाकई उनकी उम्मीद को नहीं तोड़ती है जो सरकार से उम्मीद करती है कि किसी भी तरह की अगर धांधलेबाजी है भी तो सरकार इनिशिएटिव ले, आगे बढ़ के ये कहे कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी, जो हुआ उसकी भी जिम्मेदारी लेते हैं और आगे ऐसा ना हो उसकी भी जिम्मेदारी लेते हैं, एक प्रोब तो कम से कम बैठाई जाए। नहीं गरिमा सिंह जी, आप ये बात ठीक कह रही है, मामला बहुत गंभीर है और छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात भी सही है कि गार्जियन अपने पैसे से और अपने खर्चे कम करके चाहता है कि बच्चे पढ़े और इतने बड़े पैमाने पर जो ये फर्जीवाड़ा है इसकी पूरी जांच हो करके और जो लोग भी जब से ये फर्जीवाड़ा हुआ है और किन लोगों ने इसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, कैसे इनकी नियुक्तियां हुई हैं, किन लोगों ने इनकी नियुक्तियां करी हैं और नियुक्तियों के समय जो धांधलीवाड़े की बात कर रहे हैं और इन लोगों की सैलरी से ये पूछिए कि इनके यहाँ सैलरी न जाने कितनी भर्तियों को कोर्ट के द्वारा रिवर्स किया गया है। देखिएगा अभी आप जब बोलने देना, अभी आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा, अभी आपका नंबर आएगा। लेकिन रविदास जी जो आप जवाब दे रहे हैं, रविदास जी जो जवाब आप दे रहे हैं, आपके अनिल यादव जी जो यूपीएससी के हैं उनके द्वारा की गई नियुक्तियों पर जांच बैठ जाएगी तो वो नियुक्तियां अवैध पाई जाएंगी। रविदास जी आपका ये रजिस्टर्ड बयान हम मान लें और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, तो सरकार फिर इसकी सरकार इस बाबत कुछ बोले, सरकार इस बाबत ऑफिशियली अनाउंस करे ना कि हाँ हम प्रोब बैठाएंगे, हम जांच कराएंगे, उसकी डेडलाइन तय हो।
मैं ये कह रहा हूँ कि जो शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई हैं, उन नियुक्तियों में कैसे हुई, किसके आदेश पर हुई, कैसे हुई, इस पूरे प्रकरण की इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन कब तक होगी रविदास जी? अभी तक तो एक इनिशियल स्टेटमेंट तक नहीं आया है। डॉक्टर विवेक कुछ कहना चाहते हैं? अभी तक तो एक इनिशियल स्टेटमेंट तक नहीं आया रविदास जी, फिर कैसे हम उम्मीद करें कि कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां होंगी? ठीक है, कमलाकर जी आएंगे आपके पास, डॉक्टर विवेक गौतम कुछ कहना, उसके बाद डॉक्टर चंद्रमोहन के पास जाएंगे। गरिमा जी, निष्पक्ष रूप से अगर मैं कुछ कहना चाहूँ, निरपेक्ष भाव से कहना चाहूँ, किसी पार्टी या पक्ष के संदर्भ में ना कहना चाहूँ, तो जो त्रिपाठी जी ने बात कही है कि यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे उसमें इंटरव्यू में शामिल थे, जहां तक निजी कॉलेजेस की बात है, निजी संस्थानों की बात है, तो ऐसा कोई वहां पर प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीधे वो जो मैनेजमेंट है वो टीचर्स को यानी प्रोफेसर्स लेक्चरर्स को भर्ती करते हैं और उनकी सूची जो है सिलेक्शन उनके डिटेल के हिसाब से यूनिवर्सिटी में जमा करा दी जाती है। तो ये तो संदर्भ बिल्कुल अलग हो जाएगा कि सरकार। एक सवाल मेरा भी यहाँ पर है कि यूनिवर्सिटी 16 साल से चल रही है, पहली दफा ऑनलाइन पोर्टल पर इन्फॉर्मेशन मांगी गई और पहली बार में ये तमाम चीजें सामने आ गई, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी भी इसके लिए जिम्मेदार है कि इसके पहले जो फॉर्म भरवाए जाते थे और फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती थी कि उसको कम से कम क्रॉस चेक यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी किया जाए। निश्चित रूप से चेक होना चाहिए था, क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए थी, और जिन जो लोग कॉलेजेस को चला रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सही बात प्रशासन तक, विश्वविद्यालय तक पहुंचाते, लेकिन निजी स्वार्थों के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने कमी की है और उसका प्रतिफल जो है वो बाद में मिला। लेकिन 16 साल की बात जहां तक आप कह रहे हैं, 16 साल की बात में जो आप कह रहे हैं उसमें निश्चित रूप से ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो चर्चा अभी चल रही है उसमें ये है कि बहुत ज्यादा शिकायतें मिल रही थी यूनिवर्सिटी को कि एक एक प्रोफेसर कई कई कॉलेजेस में नॉमिनेटेड है। Exactly. तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक मीडिया जागरूक नहीं होगा, चल रहा था लेकिन अब नहीं चलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और डॉक्टर चंद्रमोहन कुछ कह रहे थे, डॉक्टर चंद्रमोहन संक्षेप में प्रतिक्रिया चाहेंगे आपकी। जी जी, देखिए ये जो प्रकरण हम लोगों के सामने आया है वो विश्वविद्यालय के कारण आया है, प्रदेश सरकार के कारण नहीं आया, अखिलेश यादव जी के कारण नहीं आया। 4 वर्ष हो गए अखिलेश यादव जी की सरकार को, लेकिन उनकी पहल पर नहीं हुआ है। ये अगर ये तुरंत के तुरंत 2012 में आ जाता तो हम ये आशा कर सकते थे कि ये सरकार की पहल पर हुआ है और सरकार कुछ शैक्षणिक सुधार करना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार कोई शैक्षणिक सुधार नहीं करना चाहती, ना उसकी नीयत है शैक्षणिक सुधार की। ये तो वहां के जो वाइस चांसलर है विनय पाठक जी, उनको हमें साधुवाद देना चाहिए कि उनकी उनकी जो कमेटी थी उसकी जांच रिपोर्ट आई और वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक जो परिपेक्ष में चर्चा हो और सही दिशा में जाए, नहीं तो हो क्या रहा है। यूपीटीयू से बीटेक करने के बाद में वो चपरासी का फॉर्म भर रहा है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सबसे बड़ी बात यही है। उत्तर प्रदेश में और एक और चीज डॉक्टर चंद्रमोहन, जब फर्जी शिक्षक जो नॉन क्वालिफाइड हैं, जो अहर्ता पूरी नहीं करते, जो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते, जब वो मैनेजमेंट के छात्रों को पढ़ाएंगे, इंजीनियर के छात्रों को पढ़ाएंगे, तो उनकी समझ कैसी होगी उन छात्रों की, जब वो डिग्री लेकर निकलेंगे तो वो किस काबिलियत के साथ निकलेंगे, ये बड़ा सवाल है। रविदास जी, अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं और क्या आप हमारे दर्शकों को, उन तमाम माता पिताओं को ये भरोसा देंगे कि समाजवादी पार्टी सरकार इसको संजीदगी से लेगी, इस पर प्रोब बैठाएगी और कम से कम एक मजबूत विजन के साथ सामने आएगी? गरिमा सिंह जी, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर मामला है और इसके लिए जो भी दोषी और जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई करवाने के लिए और पूरे फर्जीवाड़े में जो लोग लिप्त हैं उन पर कार्रवाई कराने के लिए मैं हर स्तर के ऊपर व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करने का काम करूंगा और जो लोग भी इस पे दोषी और जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाइयां होंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं रविदास जी, हम आपके इस बयान को, इस स्टेटमेंट को रजिस्टर करते हैं, आपसे हम जवाब लेंगे, जवाब तलब हम करेंगे कि वाकई इतने बड़े फर्जीवाड़े पर, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता है, तमाम अखबारों में यह खबर छपती है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई इनिशियल स्टेटमेंट नहीं है, सरकार की तरफ से इसको संजीदगी लेने वाली कोई कार्यशैली अभी तक नजर नहीं आई। रविदास जी जरूर एक आश्वासन दे रहे हैं, बचाने का काम करते हैं, उस आश्वासन को हम रख लेते हैं। कमलाकर जी, जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है उससे वाकिफ हर कोई है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, दर्शकों का भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए।